आज से 33 बरस पहले दिल्ली में और दूसरे कई राज्यों में जिस तरह से हमारे सिख भाइयों पर अत्याचार किया गया, उनका कत्लेआम हुआ और उस वक्त के प्रधानमंत्री की हत्या के आरोप में पूरे समाज को दोषी बना दिया गया और कई दिनों तक ये कत्लेआम भारत के कई शहरों में और देश की राजधानी दिल्ली में जारी रहा। आज 33 साल के बाद हम इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक अपराधी लोग खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें सजाएं नहीं मिली हैं। उसके बाद वो लोग सत्ता में भी आ गए और चले भी गए। ये जो हमारा प्रदर्शन है और ये जो हमारी आवाज है, हालांकि 1984 के सिख भाइयों पर हुए कत्लेआम के संबंध में है, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए, हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के साथ साथ विभाजित भी हुआ और उसके बाद भी धर्म के आधार पर इस देश में खून बहा। वो जख्म भी अभी तक पूरी तरह भरे नहीं है और आजादी के एक साल बाद ही, बल्कि एक साल से भी कम समय में एक बड़े आतंकवादी घटना इस देश में हुई और वो ये कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इसी दिल्ली में देश की राजधानी में हत्या कर दी गई। ये वही मानसिकता है जो आज हिंसा के रूप में हमारे सामने आती है। सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, मगर देश को विभाजित करने वाली मानसिकता, देश में खून खराबा कराने वाली मानसिकता, महात्मा गांधी की हत्या करने वाली मानसिकता और उसके बाद देश में धर्म और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटने, नफरत फैलाने और धर्म के आधार पर दंगे कराने का एक पूरा सिलसिला हम देख सकते हैं। बहुत समय लग जाएगा अगर सारी घटनाओं का जिक्र किया जाए। 1984 से एक साल पहले आसाम के नेली में भी नरसंहार हुआ, 3000 से ज्यादा लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग निशाना बनाकर उनको खत्म करने की कोशिश की गई। ये बात याद रखनी चाहिए। छोटा मोटा झगड़ा आपस में लोगों का हो सकता है, जो घंटे, आधा घंटा, दो घंटा चल सकता है, लेकिन अगर कोई घटना कई दिनों तक चले, हिंसा कई दिनों तक जारी रहे, कत्लेआम जारी रहे, तो समझिए कि उसमें सरकार का योगदान जरूर है। सरकार के सहयोग के बगैर वो हिंसा चंद घंटों से आगे जारी नहीं रह सकती। ये बात हमारे सामने रहे। कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसके शासन काल में दंगे और फसाद नहीं हुए हों। तो मैं वही बात कह रहा हूं, मानसिकता जो इस समाज को बांटने वाली जो मानसिकता है, वो इन सभी पार्टियों में मौजूद है जो पार्टियां अब तक सत्ता में रही हैं। बारी बारी से 84 की जो घटना है वो हमारे सामने है। उसके 8 साल के बाद 1992 में बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े दिन की रोशनी में सरकारों के होते हुए, सब कुछ होते हुए शहीद कर दिया गया। और इतना ही नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद मुस्लिम समुदाय पर हमले हुए, कत्लेआम हुआ, हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया। और बात सिर्फ मुस्लिम समुदाय की नहीं है, बल्कि हमारे ईसाई भाइयों के खिलाफ भी कंधमाल में
उड़ीसा में और दूसरे राज्यों में ग्राम स्टेंस को जिंदा जला दिया गया और क्या क्या नहीं हुआ। हमारे देश के बहुत सारे आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के साथ इसी तरह का बर्ताव और इसी तरह की हत्याएं वहां भी होती रही और अभी तक जारी हैं। और फिर हम 2002 गुजरात को नहीं भूल सकते। गुजरात के 2002 में जो कुछ हुआ वो हमारे देश पर बहुत सारे कलंकों में एक और बड़ा कलंक है और एक समुदाय को निशाना बनाया गया। आज तक वहां के मुजरिमों को सजाएं नहीं मिली बल्कि उस कत्लेआम की निगरानी करने वाले, पुष्ट पनाही करने वाले लोग आज सत्ता में ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। लेकिन हमें उम्मीद है और हम यकीन रखते हैं भारत के लोकतंत्र पर और भारत की इस न्याय व्यवस्था पर। एक दिन वो जरूर आएगा कि जब बड़े से बड़ा मुजरिम देश के बड़े से बड़े पद की आड़ ओट में छुप नहीं पाएगा और अगर छुप भी गया तो वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। हमें ये उम्मीद है कि हमारा लोकतंत्र और हमारे देश की न्याय व्यवस्था ऐसे मुजरिमों को जरूर सजा दे। 2002 के बाद 2012, 2008, मुजफ्फरनगर में 2013 क्या क्या गिनाए हम आपको। पूरा शरीर छलनी है भारत का, भारत का पूरा शरीर दंगों से, आतंक से छलनी है। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे दूसरे साथी भी कह चुके हैं, ऐसी घटनाएं, बड़ी घटनाएं, कत्लेआम, दंगे फसाद ज्यादा देर तक उसी समय जारी रहते हैं जब सरकारें अपना राज धर्म भूल जाती हैं, बल्कि भूलती नहीं उससे आगे उन दंगों में शरीक हो जाती हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ये संख्या बहुत छोटी है यहाँ पर, लेकिन संख्या ना देखिए, बात देखिए। सच बात आसमान तक जाती है। मजलूमों और पीड़ितों और जिन पर अन्याय हुआ है उनकी जबान से, उनके दिल से निकलने वाली आहें और उनके आंखों से टपकने वाले आंसू बड़ी बड़ी सल्तनतों को, बड़ी बड़ी हुकूमतों को, बड़े बड़े हुक्मरानों को, बड़ी बड़ी सत्ताओं को, बड़े बड़े महलों को न सिर्फ हिला देते हैं बल्कि जलाकर खाक कर देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है हमारी आवाज देश भी सुन रहा है। यह अलग बात है कि अभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हमारा मीडिया भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है हमारी आवाज ऊपर आसमान में सुनी जा रही है। हमारी आवाज इस सृष्टि के बनाने वाले सृष्टा तक पहुंच रही है और जो सारी सृष्टि को देख रहा है वो एक समय तक लोगों को मोहलत दे रहा है, छूट दे रहा है, और जब उसकी मोहलत खत्म हो जाएगी और जब उसके अजाब का कोड़ा आएगा और जब वो इंसाफ करने लगेगा ऊपर वाला, तो फिर ये बड़ी बड़ी सत्ताओं पर बैठे रहने वाले लोग आपको जमीन पर नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे। हम अपने इन सत्ता में बैठे हुए नादान भाइयों को जो जुल्म के रास्ते पर निकल पड़े हैं, सत्ता मिल गई है, अंधे हो गए हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं लौट आओ न्याय के रास्ते पर, लौट आओ धर्म के रास्ते पर, लौट आओ इंसाफ के रास्ते पर। इंसाफ करो, इंसाफ दिलाओ। अगर इंसाफ नहीं करोगे अन्याय ज्यादा देर तक ये धरती बर्दाश्त नहीं करती। अन्याय और आतताई शासकों को ये धरती और ये आसमान ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। और देश की जनता भी हमें उम्मीद है ज्यादा देर तक अन्याय करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसी आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, मालिक से दुआ करता हूँ कि हमें न्याय और इंसाफ जरूर मिलेगा, मुजरिमों को सजा मिलेगी और ये देश भाईचारे, प्रेम और सद्भाव के आधार पर और नागरिकों के, सभी नागरिकों के बराबरी के अधिकार के आधार पर, सबके विकास के आधार पर और सबके साथ के आधार पर ये देश तरक्की करेगा। धन्यवाद।